एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे हल्दिया, जहां पर सीएम ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। 2:30 बजे नामांकन दाखिल होना है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती। ये उसी जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ममता आपसे कुछ ही देर बाद पहुंचेंगी, नामांकन दाखिल करेंगी। चुनाव में पहले ही बिगुल बज चुका है, ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है कि नंदीग्राम से वो नामांकन दाखिल करने जा रही है। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सूर्याग्नि, क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या चल रहा है वहां पर इस वक्त? चलिए दोबारा संपर्क करेंगे सूर्याग्नि, हमारे संवाददाता इस वक्त नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन इस बीच दो तस्वीरें आपके सामने हैं, पर्चे से पहले कैसे पूजा पाठ करती हुई ममता बनर्जी आज सुबह दिखाई दी शिव मंदिर वो पहुंची, वहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। लेकिन ये संकेत और संदेश साफ ममता बनर्जी का, वो जा चुकी है, वो अंदर है जहाँ पर वो अपना नामांकन करेगी और उसके बाद यहाँ पर हेलो मेरे साथ आइए, तो शॉर्ट पिच अभिवादन यहां पर दीदी स्वीकार करती हुई। शुद्ध यहीटुकू बोलबे हमारे नेत्री आगामी दिन भारत नेत्री। भारी हुजूम इस वक्त इस काफिले में देखा जा रहा है जो कि ममता बनर्जी के साथ चल रहा है। दरअसल ये वो लोग हैं, वो समर्थक हैं जो चाहते हैं कि दीदी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर राज करें, वहीं पर काबिज हों। और देखिए दीदी भी कैसे लोहा लेने के लिए यहां पर आज हल्दिया पहुंच चुकी हैं। नंदीग्राम से वो औपचारिक रूप से आज पर्चा भरने वाली हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है और ममता बनर्जी भी कमर कसकर तैयार हो चुकी हैं। आज सुबह से ही तमाम कार्यक्रम ममता बनर्जी के यहां पर देखे गए, कल देर शाम ही ममता बनर्जी वहां पर पहुंच चुकी थी। फाइल करेगी हमारे साथ साथ वो इस पदयात्रा को लीड करते करते वो अंदर गई है। अरे भाई हेलो, पहले यहाँ पे वो अंदर गई हैं और यहाँ पे वो अपना नामांकन करने वो अंदर पहुंच चुकी है एसडीओ के ऑफिस पे, जहां पर हेलो यस आई कैन हियर यू। अरे आ रही है आवाज आपको मेरी,